जनपद अल्मोड़ा में शोभन सिंह जीना की जयंती समारोह जीना विश्वविद्यालय में बड़े ही उत्साह पूर्वक मनाया गया। बता दें कि इस जयंती समारोह में पूर्व सीएम और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी मौजूद रहे। साथ ही जयंती समारोह में राजधानी गैरसैंण विषय पर चर्चा और विचार विमर्श किया गया। इसी बीच कार्यक्रम आयोजकों का कहना है कि कार्यक्रम में उत्तराखंड राज्य की राजधानी गैरसैंण समाधान औचित्य और आवश्यकता पर चर्चा की जा रही है। आयोजकों का कहना है कि भगत सिंह कोश्यारी से सरकारों को गैरसैंण राजधानी पर चेताने के लिए कहा गया है। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। हमारी उत्तराखंड युवाओं की धरती ये वीर प्रसूता है, एक ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, राजनीति का क्षेत्र में, जो भी क्षेत्र हो उस क्षेत्र में यहाँ से अनेक श्रेष्ठ पुरुषों को और अनेक श्रेष्ठ महिलाओं को इसने जन्म दिया है। और पूज्य स्वर्गीय शोभन सिंह जीना जी का एक अपना विशिष्ट स्थान था, वे सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। 1952 में उनको पंत जी ने कहा कि आप मंत्री बन जाओ, उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे सिद्धांत नहीं मिलते, मैं मंत्री नहीं बन रहा। जीवन भर वे जनसंघ के सदस्य रह करके, अधिकारी रह करके उत्तराखंड की सेवा करते रहे। और उन्होंने इस विश्वविद्यालय में जो आज बना है, इस कॉलेज के वे एक किस्म से आजीवन मैनेजर थे, लेकिन कभी भी उन्होंने यहाँ किसी प्रकार का इंटरफेरेंस कभी भी नहीं किया। और उनके जो पुराने साथी हैं, जिन लोग जानते हैं कि वे किस प्रकार से एक न्यायप्रिय व्यक्ति थे और उनकी विद्वता वकालत के बारे में तो सभी जानते हैं, और समाज को उठाने के लिए उन्होंने बहुत से काम किए, पत्रिकाएँ चलाई, अन्य काम किए। मुझे लगता है कि वे हम सब लोगों के आदर्श दोस्त हैं। फिर उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण को अस्थायी राजधानी के बजाय ग्रीष्मकालीन राजधानी कर दिया गया। एक छोटे से राज्य में दो दो राजधानियों का कोई औचित्य नहीं बनता है, इसलिए इस भूल को सुधार करने के लिए आज भगत सिंह कोश्यारी जी हमारे बीच में हैं, जिन जो उस समय उत्तरांचल राज्य के ये संघर्ष समिति के महामंत्री भी थे। हम उनके से कहेंगे कि ये सरकारों को थोड़ा सा चेताएं कि जो संकल्प जीना जी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य की राजधानी गैरसैंण बनाने के लेकर एक सर्वदलीय आंदोलन चलाया गया था, उसको जब तक राजधानी गैरसैंण में नहीं बनेगी तब तक हमारा विषय लगातार जीना जी जयंती के अवसर पर यही बना रहेगा, ये संकल्प।